भक्ति का ऐसा सैलाब मानो पीताम्बर वस्त्र धारण कर गंगा नदी बह रही हो। बैंड बाजों संग भक्ति में झूमते गाते हजारों भक्त सिर पर पवित्र कलश लिए और रथ में सवार श्री कादमगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामनंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज श्री कामतानाथ सेवा समिति द्वारा कोठी मीना बाजार में 20 से 28 सितंबर तक आयोजित होने जा रही श्री राम कथा के तहत आज भक्ति और उमंग के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया गया। बनारस से आए किस ब्राह्मणों द्वारा कथा स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश जो है वो स्थापित किया गया। जयपुर हाउस स्थित चिन्हांतरण मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कथास्थल कोठी मीना बाजार पर विराम लिया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय ने पुष्प वर्षा कर सभी महिलाओं का स्वागत किया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया। रथ में सवार श्री कादमगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज के दर्शन और चरण स्पर्श को भक्त व्याकुल दिखे। मेरा नाम अंजू गुप्ता है। मैं मारुति स्ट्रीट चौराहे से आज श्री राम का यहाँ पे कथा हो रही है, जो कि 9 दिवसीय है। जिसके कलश मिले हैं, उनको भी साड़ियाँ भी मिली हैं साथ में, उनको भी ये सब बहुत कुछ अच्छा लगा। परिवार के साड़ियाँ मिली क्योंकि सबको एक सा दिखाई देना था, एक सा दिखाई दिया। ये योगेंद्र उपाध्याय है, उनके यहाँ पे कलश यात्रा का हुआ था आज, बहुत ही अच्छा लगा। साड़ियाँ मिली, हम सब एक लग रहे हैं, कोई अलग नहीं लग रहा है। व्याकुल, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, उसके लिए तो कह ही नहीं सकते। ये राम कथा का आयोजन पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है।